हेलो दोस्तों, मेरे पास एक कस्टमर का मोबाइल आया है, वीवो Y21। इसमें ये प्रॉब्लम है कि कॉम्बो एकदम सही सही दिख रहा है, ऊपर से सही है एकदम, बाकी इसमें लाइट नहीं आ रही है। ये मोबाइल दबने के कारण इसका कॉम्बो चला गया है, इसमें लाइन आ गई। अभी तो ये पूरा बंद दिख रहा है, केवल वाइब्रेट हो रहा है। तो इसको अभी रिपेयरिंग कैसे करते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसको ये धीरे धीरे खोलना है, यहाँ पे फिंगर का बेल्ट आता है, उसको ध्यान रखना है, कहीं कट ना जाए। और ये देखो इसका बेल्ट, देख यहाँ से हुआ है, तो ध्यान रखना आप इधर से लेकर कितनी देर तक, कभी भी कोई भी मोबाइल के अंदर बेल्ट हो सकता है, ध्यान रखना है। ये पहली बार मोबाइल खोल रहा है, अभी देख वारंटी सील इसकी लगी हुई है। हेलो दोस्तों, ये करना कौन से फिंगर को हटा देना, इसको साइड में रख देना, यहाँ से इसको नाखून की सहायता से इसको हटा देना टैब को। ये देखो खुल गई, पहले इसको यहाँ से हटा देना। बेल्ट को मैं इसको बाहर निकालूंगा। इधर किसे ऐसा डाल दें, अंगुल लगा दे, ऐसे इसको फंसा देना, ऐसे इसको अब इसमें नया कॉम्बो डालना पड़ेगा इसे, फिर इसको सिमटी की मदद से इस फ्रेम को पूरा एकदम साफ करना है। और हेलो दोस्तों, ये मेरे पास अभी Vivo Y21 का कॉम्बो आया है,
उसका ये नया कॉम्बो इसके मोबाइल में डालना है। पहले इसको चेक करना है कि कॉम्बो सही है या खराब है, नहीं तो फिर कोई काम नहीं आएगा ना। पहले डाला हुआ बराबर, अब इसको बैटरी लगा कर से करते। अब इसको ऑन कर दो। ऑन हो गया है, अब इसका से करते सब काम करता बटन नहीं करता। एकदम सही कर सब कर रहेगा, तो ये अपना कॉम्बो एकदम रेडी है। अब इसको फिर इसको पहले बैटरी का बेल्ट हटाना है, फिर कॉम्बो का। अब इसके ऊपर बैटरी ऐसे से फिटिंग कर देना है, यहाँ से चला गया ऐसे लगा कर, फिर इस बैटरी को बेल्ट को ऐसे गिर देना है, सेट करना सही। वे एक बार इसको खोलना है, से कर लेना सही लग तो गया। ये खोल गया अपना एकदम सही लग। क्या प्रॉब्लम है? ओके कचरा है फिंगर लगाने के बाद फिर इसको लगाना पड़ता है। फिर ये सबसे छोटे वाला नट पहले लगा दें, फिर इसको ऐसा से गिर देना है। फिटिंग करके फिर नट लगाना है।